दोस्तों नमस्कार, कैसे हैं आप सभी। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है स्टार एजुकेशन यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों यहां पर RMSSB का जो नया अपडेट आया है वो हम अपडेट आप सभी के लिए लेके आ चुके हैं। राजस्थान स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड जयपुर की ओर से एक आज का नया अपडेट आया है उनके बारे में। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये सबसे पहले दोस्तों आपके सामने जो अपडेट है, मैं सीधा आपका जो न्यूज नोटिफिकेशन है उसको ऊपर क्लिक करूंगा। जैसे ही आप न्यूज नोटिफिकेशन के ऊपर क्लिक करेंगे तो दोस्तों यहाँ पर एक तो आपका JEE का दे रखा है, JEE के बारे में दे रखा है, उसके बाद दे रखा है संगणक भर्ती यानी कंप्यूटर्स 2021 जो अभी दिसंबर में एग्जाम हुए थे 19 तारीख का है, उसका एक नया अपडेट आया है। क्या अपडेट है? एडिटिंग ऑनलाइन अप्लीकेशन। अगर आपके फॉर्म के अंदर कोई त्रुटि है तो दोस्तों यहां आप अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों कैसे अप्लाई करना है पूरी डिटेल यहां से क्लिक करना है और यहां से आपकी जो डाउनलोड है वो डाउनलोड हो जाएगी, और डाउनलोड होने के बाद में आपको क्या क्या करना है ये वीडियो पूरा देखेंगे तब आपको समझ में आ जाएगा। दोस्तों यहाँ पर आपके सामने देख सकते हैं आज की तारीख दे रखी है, यहाँ पर पाँच जनवरी, यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों पाँच जनवरी 2022 आपके सामने संगणक भर्ती परीक्षा 2021 क्या अपडेट है उनके बारे में देखेंगे। बोर्ड द्वारा आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग राजस्थान के लिए संगणक सीधी भर्ती 2021 विज्ञापन दोस्तों 3/9/2021 को जारी किया गया था, लेकिन बोर्ड द्वारा 19/12/2021 को परीक्षा आयोजित करवाई गई थी। दोस्तों इसके अंदर क्या दे रखा है कि ऑनलाइन आवेदन में संशोधन हेतु 10/1/2022 से लेकर 10/1/2019/1/2022 तक आप फॉरम के अंदर जो भी आपकी त्रुटि है दोस्तों उसमें आप परिवर्तन कर सकते हैं। लेकिन यहां पर ये भी दे रखा है दोस्तों, अच्छा यहां पर एक और प्रश्न दे रखा है वो भी मैं आपको बताने वाला हूं, तो एक बार आप देख लीजिए। इसके अंदर ये दे रखा है अभ्यर्थी अपने ऑनलाइन आवेदन में स्वयं का नाम, पिता माता का नाम, पता, शैक्षणिक योग्यता, फोटो एवं हस्ताक्षर में संशोधित नहीं कर सकते हैं। दोस्तों ये आपको ध्यान रखना, इन त्रुटियों की सूचना में संशोधन चयन होने की स्थिति में अगर आपका फाइनल सिलेक्शन होता है तो आपके दस्तावेज के समय आपको उस समय सूचित करना होगा कि भैया ये गलती है, तो वो चीज़ हो सकती है। लेकिन अभी तक यहाँ पर ये अपडेट, अब देखिए आगे क्या है, आगे हैं कि इनके अतिरिक्त अन्य सूचना जैसे श्रेणी, उपश्रेणी और विशेष श्रेणी, विकलांग कैटेगरी हो, जन्मतिथि हो, अपना लिंग हो इत्यादि, आप ₹300 देकर, कितने रुपए दोस्तों, ₹300 देकर आप इस फॉर्म के अंदर संशोधित कर सकते हैं। उपयुक्त समय सीमा के पश्चात किसी भी स्थिति में बोर्ड के द्वारा संशोधन नहीं किया जाएगा आपका, ना तो ऑनलाइन किया जाएगा ना ऑफलाइन किया जाएगा, ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। तो दोस्तों आज की क्लास, आज का जो वीडियो है कैसा लगा हमें जरूर बताइए, वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, अपने सुझाव कमेंट बॉक्स में देते रहिए दोस्तों, और स्टार एजुकेशन को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें। थैंक यू, धन्यवाद।